Hello kids, welcome back. This is your mentor Neetu. We are doing computer book Cyber Creators Class 3 by BrainRoot. So today we are doing chapter 6, Code with Scratch 3. So how to do it? So let's start. This chapter you will learn about starting Scratch 3, moving a sprite, drawing a square, drawing a colorful circle, duplicate copy of a sprite, saving a project, creating a new project, and exit from scratch. So, before we begin, color the picture of the default sprite of Scratch 3 given below. This is the default type of Scratch. Aap isko color kar sakte hain. Okay? So, now let's start. Scratch 3. What is Scratch 3? It's a simple programming language that lets you create your own interactive stories, animations, games, music and art. इसके हेल्प से आप अपनी स्टोरीज बना सकते हैं, अपना म्यूजिक, अपनी गेम्स, ओके, एनिमेशन. जैसे आप कार्टून्स देखते हैं आजकल टीवी में, देर आर सो मेनी कार्टून्स, सो दीज आर ऑल विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच, राइट? सो इट प्रोवाइड्स वेरियस ब्लॉक्स यूजिंग विच यू कैन क्रिएट योर कोड, सो देर इज नो नीड टू टाइप कोड्स. You can simply drag and drop the blocks in the script area to create your code or scripts. आपने सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक्स यूज करना है, यानी जिससे आप अपनी कोड लैंग्वेज, अपनी कोडिंग बना सकते हैं. ओके, सो इट्स वेरी इजी. इसमें स्क्रिप्ट एरिया वी विल शो यू कहाँ पे आपने ब्लॉक्स को यूज करना है और कैसे आप अपनी स्टोरी, अपनी गेम्स, अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं. सो That is why it is often referred to as block-based coding. क्योंकि इसमें हम blocks use करते हैं, तो इसको हम इसलिए ये भी बोलते हैं block-based coding, जो block पे depend करती है. That's coding, right? So now, starting Scratch 3. अब इसे start हमें कैसे करना है? To start Scratch 3, follow these steps. The first one, click on the start button, then second one, select Scratch 3. Okay, simply आपने start button पे click करना है, उसमें से आपने option select करनी है, that is Scratch 3. There are so many application, उसमें से आप एक select करेंगे Scratch 3. जैसे ही आपके पास computer screen आ जाएगी, start button press करने के बाद, तो यहाँ से आप देखो, these all apps are given over here. Okay, तो यहाँ से हम यहाँ पे भी all apps given, तो scratch one, right? So like this we can select. Fine. So now the next, the scratch 3 window appears. Various components of scratch window are as follow. जब आप उसको start करेंगे, आपने scratch 3 पे select किया, तो आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी. दिस इज द स्क्रैच 3 विंडो. अब इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं, हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं. सो हेयर यू कैन सी दिस कैट, ओके, एंड हेयर यू कैन सी कोड, कॉस्ट्यूम, साउंड, दीज आर टैब, एंड दिस इज वॉट, these all blocks जो हम यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स पैनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्लॉक पैलेट, राइट? एंड यहाँ पे हम अपनी जो भी हमें अपनी स्क्रिप्ट, हमें अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, दैट एरिया इज द स्क्रिप्ट एरिया, ओके, एंड दिस इज वॉट, दिस इज द डिफॉल्ट स्प्राइट जो ऑलरेडी स्क्रैच में है, कैट, दिस इज द डिफॉल्ट स्प्राइट, ओके, और जो ये एरिया है, इट इज सेट टू बी स्टेज. यहाँ पे स्प्राइट कैसे परफॉर्म करेगा, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग, सो दिस इज द स्टेज, राइट? सो वंस अगेन यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स, सी हियर, दिस इज टैब, यहाँ पे टैब्स हैं, ये है ब्लॉक पैनल हमारा, दिस इज सेट टू बी ब्लॉक पैलेट्स,
एंड यहाँ पे जो भी हम अपनी राइटिंग करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी करेंगे, दिस एरिया इज़ द स्क्रिप्ट एरिया एंड दिस इज़ द स्प्राइट, और जहाँ पे ये परफॉर्म करेगा दैट इज़ द स्टेज. फाइन. सो अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में. सो लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्रैच 3 विंडो. सो लेट सी. स्प्राइट. स्प्राइट इज अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स एक्शन इन स्क्रैच 3 प्रोजेक्ट. जो एक्शन करेगा हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग. स्क्रैच 3 प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ इन बिल्ट स्प्राइट्स. इसमें और सारे काफ़ी सारे स्प्राइट्स हैं, बट द कैट इज़ द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच 3. मतलब कैट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी है. अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा. नाउ स्टेज. इट इज़ द मेन वॉकिंग एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म्स एक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस. एज आई टोल्ड यू, जो जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो जो हम करना चाहते हैं अपने स्प्राइट से करवाना चाहते हैं, सो दैट एरिया इज़ द स्टेज. ओके. ऑन इट यू कैन वॉच स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड रन प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड. जो भी आपने क्रिएट किया है, स्टोरी क्रिएट की है, गेम क्रिएट की है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं. नाउ टैब. इट कंसिस्ट ऑफ 3 टैब्स: कोड, कॉस्ट्यूम्स एंड साउंड्स. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ 3 टैब्स: कोड, कॉस्ट्यूम्स एंड साउंड. सो लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज कोड टैब. अब कोड टैब का क्या वर्क है? इट इज़ अ एरिया वेयर यूजर राइट एंड एडिट द कोड एंड इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द स्क्रैच यूजर इंटरफेस टू द राइट ऑफ द ब्लॉक पैलेट. ओके. यहाँ पे यूजर राइटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, जो भी हमें इसमें चेंजेस करने हैं वी कैन डू, एंड इट इज वेयर इट इज राइट ऑफ द ब्लॉक पैलेट. Now costumes, it allows you to draw, import or edit images for a sprite. ये हमें allow करेगा, कोई हमें picture draw करनी है या images draw करनी है या edit करनी है या import कहीं से लेके आना है, so it allows us. And sounds, it allows you to record or import sound files for the sprite to use. स्प्राइट को कोई साउंड फाइल यूज करने, कुछ साउंड यूज करनी है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? दिस टैब, साउंड्स टैब. राइट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक पैनल. द ब्लॉक पैनल एरिया लिस्ट द 9 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स: मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक. टोटल 9 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी हैं? मोशन, लुक्स है, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स. कुछ ब्लॉक्स के बारे में आप थर्ड क्लास में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. सो रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप टुगेदर इन अ ब्लॉक. For example, all the movement-related instructions are listed when we select the motion block. Motion का मतलब क्या है? Movement. जब हमें स्प्राइट कोई movement करवानी है, कुछ भी related है उससे, rotate करना है, कुछ भी करना है, तो वो किस में आएगा? हमारा motion block में. Okay? Now, blocks palette. The block palette contains a set of blocks that are used to program sprites and give actions to it. Blocks palette में जैसे नाम से clear है, इसमें सारे blocks होंगे, जो जो हमें use करने हैं अपनी requirement के according, हम उसको use कर सकते हैं. Each block is used to perform a specific task in a project. हर एक block का एक अपना special task है, right? By connecting blocks with each other, just like a jigsaw puzzle, you can create scripts in Scratch 3. आप ब्लॉक को पिक करते जाएंगे, वो आपस में कनेक्टेड होते जाएंगे by a puzzle, jigsaw puzzle. और जो भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, जो भी आप दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स, वो स्प्राइट आपको शो करता जाएगा स्टेज के ऊपर, राइट? और जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो आप स्टेज पे देख सकते हैं, स्प्राइट
आपको करके दिखाएगा वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ओके नाउ स्क्रिप्ट. अ स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू अ स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. स्क्रिप्ट क्या है? स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले हमें क्या करना है. सपोज आपने कोई अपना डांस परफॉर्म करना है ऑन द स्टेज, तो टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने पहले कैसे आना है स्टेज पे, ओके कैसे आपने अपनी पोजीशन को लेना है, कैसे आपने स्टेप स्टार्ट करने हैं. सो सेम दिस इज द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या है? एक इंस्ट्रक्शन का है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू अ स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. जो भी हमें अपना टास्क करना है हमें उसको स्क्रिप्ट बनानी है. ओके इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज, राइट. सो अ स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू ब्लॉक्स. अगर हमें कोई स्क्रिप्ट अपनी प्रिपेयर करनी है उसके लिए हमें दो ब्लॉक्स तो यूज करने ही करने हैं. ओके मोर देन टू वी कैन यूज बट एटलीस्ट वी शुड हैव टू ब्लॉक्स, राइट. नाउ स्क्रिप्ट एरिया. स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस where you write the script for the sprite to do a particular task. Script area जहाँ पे आप अपनी script लिखेंगे, that is a script area. The script is created by dragging the blocks from the blocks palette and dropping them stepwise one below the other. Script हम बनाएंगे कैसे? Blocks को choose करेंगे और drop करेंगे script area पे. Right? So script is also called a program. Drag the instructions from the blocks palette and drop it in the script area to write a program. The blocks fit into each other as zigzag puzzle blocks. As I told you earlier, जो भी आप blocks use करेंगे वो आपस में connected होते जाएंगे जैसे zigzag puzzle है वैसे. Okay? जब आप स्क्रीन पे करेंगे अपने आप करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. सो लेट अस ट्राई ड्रैग एंड ड्रॉप टू पुट द इंस्ट्रक्शन इन द स्क्रिप्ट. अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन कैसे दें. सो द फर्स्ट वन सेलेक्ट द कमांड टू बी मूव्ड. जो भी हमें कमांड देनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे. ड्रैग द कमांड टू द स्क्रिप्ट एरिया. उसको सिलेक्ट करने के बाद हम ड्रैग कर लेंगे माउस की हेल्प से स्क्रिप्ट एरिया पे और फिर क्या कर देंगे? ड्रॉप इनटू द स्क्रिप्ट एरिया. स्क्रिप्ट एरिया में उसको ड्रॉप कर देंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस लिया हमने, लेफ्ट क्लिक किया और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी है वो हमने सिलेक्ट किया. सपोज यहाँ पे इन्होंने इसको सिलेक्ट किया है. ओके देन आपने उसको होल्ड एंड ड्रैग. ओके उसको पकड़े रखना है माउस को एंड देन ड्रैग इट. इसको हम ड्रैग कर देंगे ऑन स्क्रिप्ट एरिया. फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्लिक करके वो हमारा जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो ड्रॉप हो जाएगा हमारा स्क्रिप्ट एरिया पे. आई होप इट्स क्लियर टू यू. यू कैन सी थ्री स्टेप्स. पहले आपने लेफ्ट क्लिक किया माउस पे, उसको सेलेक्ट किया, फिर उसको ड्रैग किया एंड देन ड्रॉप इट. फाइन. नाउ मूविंग अ स्प्राइट. ऑल द इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ अ स्प्राइट आर गिवन अंडर द मोशन कैटेगरी. अभी हमने बात की थी मूवमेंट मींस मोशन. ओके जितने भी मूवमेंट हमें करवानी है वो किसके अंडर आएंगी? मोशन कैटेगरी के. Let us create our first crash project to move the sprite. अब हम एक project create करेंगे जिसमें sprite जो है वो move करेगा. So see how to do it. The first one, open scratch window. Scratch window open की. Then second, by default the motion category is displayed on the left side of the scratch window. जहाँ पे blocks हैं, block palette है, वहाँ पे आपके पास motion category आपको दिखाई देगा. Then थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द दिस. इट इज रिटन मूव 10 स्टेप्स एंड ड्रैग इट इन द स्क्रिप्ट एरिया. फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग करना है. ठीक है. देन चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम 10 टू 20 बाय टाइपिंग इन द नंबर बॉक्स. यहाँ पे एक नंबर आप चेंज कर सकते हैं. जितने आपने स्टेप्स मूव करवाने हैं, 20 है, 30 है, 40, वॉट एवर, वो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. Then
click on the block, you will notice that the sprite moves a specified number of steps. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो स्प्राइट है वो मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट सिक्स स्टेप, क्लिक ऑन दिस वन मोर ब्लॉक इज गिवन ओवर हियर. यहाँ पे लिखा है टर्न एंड ऐसे बना हुआ है एरो क्लॉकवाइज दिस डिग्री. एक नंबर गिवन है 15, टर्न एरो देन नंबर एंड देन डिग्री दिस ब्लॉक. क्लिक ऑन दिस ब्लॉक, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, प्लेस इट बिलो द मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक. आपने पहले कौन सा ब्लॉक किया था ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वाला मूव जिसमें आपने 20 स्टेप्स दिए, मूव 20 स्टेप्स. और फिर आपने एक और ब्लॉक सेलेक्ट किया वही ब्लॉक पैलेट से, टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री. यानी जो हमारा स्प्राइट है वो हमें क्या करके दिखाएगा, मूवमेंट करेगा 20 स्टेप्स और टर्न भी करेगा. सो आपके पास स्क्रीन पे ऐसे विजिबल होगा. ओके, नाउ सी सेवन स्टेप, कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया. जो भी आप ब्लॉक्स लेके आते हैं, आपने जो हमारा प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं उसको रनिंग करने के लिए, यानी वो चलता रहे, उसके लिए आपने इस पे एनी वन ऑफ द ब्लॉक उस पे क्लिक करके रखना है. सो कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया, राइट. You will see that the sprite is moving 20 steps forward and turning 15 degree in a circular motion on the stage. अब जो sprite है वो अपनी movement करेगा 20 steps और turn हो जाएगा around 15 degree. Okay, तो आप देख सकते हैं ये change हो गया. Okay, by using these two blocks. Do you understand? हमने इसमें कैसे motion category में जाके कैसे ब्लॉक्स यूज किए हैं और कैसे हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हर एक ब्लॉक का अपना एक फंक्शन है. यू मस्ट नो कि वो ब्लॉक क्या कर सकता है. और अगर आपको नहीं भी पता, देन यू कैन क्लिक ऑन दैट वन एंड देन यू कैन ट्राई ऑन योर स्क्रीन और आप देख सकते हैं उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं. फाइन, सो लेट्स सी, लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द मोशन ब्लॉक्स which you have used in the project. वो एक बार हमें फिर से समझा रहे हैं कि इनका, इन ब्लॉक्स का क्या फंक्शन था. सो लेट अस सी, मूव 10 स्टेप्स. दिस ब्लॉक इज यूज टू मूव द स्प्राइट बाय 30 स्टेप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब कितने भी स्टेप्स आप उसमें डाल सकते हैं. टू मूव द स्प्राइट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, टाइप द नंबर विद प्रीसीडिंग माइनस साइन, फॉर एग्जाम्पल -20. फॉरवर्ड के लिए आप सिंपल नंबर डाल देंगे और अगर आपने पीछे आना है, बैकवर्ड आना है, तो आपने माइनस डाल के जो भी आप देना चाहते हैं यू कैन गिव, राइट. एंड नाउ दिस ब्लॉक जो आई हैव टोल्ड यू टर्न और ऐसे एरो बना हुआ है क्लॉकवाइज वाला, सर्कल वाला, एंड एक नंबर है एंड डिग्रीज. दिस ब्लॉक इज यूज टू टर्न द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. टू टर्न द स्प्राइट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज द अदर ब्लॉक. क्लॉकवाइज के लिए ऐसे एरो आएगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए उल्टा आ जाएगा. तो अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है तो हम दिस ब्लॉक वी कैन यूज, राइट. नाउ नोट, टू रिमूव द ब्लॉक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन. अगर हमने स्क्रिप्ट एरिया पे गलती से कोई ब्लॉक डाल दिया जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन. फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ ड्रॉइंग अ स्क्वायर. अब हम इसकी हेल्प से एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. टू ड्रॉ शेप्स यू नीड द पेन ब्लॉक्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द ब्लॉक्स पैनल बाय डिफॉल्ट. जब हम अपनी विंडो ओपन करेंगे स्क्रैच 3, उसमें ब्लॉक पैनल में आपको पेन ब्लॉक्स दिखाई नहीं देगा. ओके, इट इज नॉट देयर. तो अब पेन ब्लॉक की हेल्प से ही हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो टू ऐड पेन ब्लॉक्स, क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन एंड सेलेक्ट द पेन थंबनेल.
इसके लिए एक ऐड एक्सटेंशन बटन होगा स्क्रीन पे, आपने उस पे जाके क्लिक करना है, ओके, और उसमें से पेन थंबनेल को सेलेक्ट करना है, फाइन। सो द ब्लॉक्स ऑफ द पेन ब्लॉक्स पैलेट अलाउ द स्प्राइट टू ड्रॉ लाइंस ऑन द स्टेज, चेंज द कलर एंड द थिकनेस ऑफ लाइंस, लेट अस ऐड सम पेन ब्लॉक्स टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज, लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन द स्टेज। अब जो पेन ब्लॉक है इसमें हमारे पास थ्री ऑप्शंस हैं, क्या है, एक तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम कलर कर सकते हैं चेंज द कलर, और एक हम जो लाइन की थिकनेस है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सो क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक्स मेन्यू, पहले हम जाएंगे मोशन ब्लॉक में, देन द सेकेंड स्टेप क्लिक एंड ड्रैग द मूव 10 स्टेप्स एंड टर्न दिस क्लॉकवाइज 15 डिग्री ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, जैसे हमने अभी प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया था, दो ब्लॉक्स को सेलेक्ट किया था, मूव 10 स्टेप्स वाला एंड टर्न वाला, तो आप सेम वैसे करेंगे। देन क्लिक ऑन द पेन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक्स पैलेट, अब हम पेन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम पेन ब्लॉक ऐड कर चुके हैं। नाउ क्लिक एंड ड्रैग दिस, इट इज गिवन पेन डाउन एंड हेयर सेट पेन साइज, पेन का एक सिंबल है एंड देन सेट पेन साइज टू, यहाँ पे नंबर्स हैं एंड फिर पेन का सिंबल है यहाँ पर, देन सेट पेन कलर टू नंबर ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। एज आई टोल्ड यू पेन ब्लॉक्स में आपके पास थ्री ऑप्शंस आएंगी, एक आएंगी आपके पास ड्राइंग के लिए, एक आपके पास आएगी कलर के लिए और एक आएगी आपके पास उसके थिकनेस के लिए। तो ऐसे आपको ये थ्री ब्लॉक्स गिवन है, आप देख सकते हैं। पहले आपने दो जो मूव 10 स्टेप्स वाला आपने लिया, मोशन कैटेगरी वाले दो ब्लॉक्स लिए, ओके, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मूव 100 स्टेप्स एंड टर्न क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ पर इन्होंने तीनों ब्लॉक्स ले लिए पेन के, राइट। तो अब आप देखो स्प्राइट ऐसे ही है और ये यहाँ पे ऐसे विजिबल होगा हमें, फाइन। नाउ क्लिक एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया टिल द स्प्राइट कंप्लीट्स स्क्वायर, अब स्प्राइट अपना वर्क करेगा उसके लिए आपने क्या करना है, एनी वन ऑफ द ब्लॉक पे उसको क्लिकिंग करके रखना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग, जब भी हम अपना इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं स्प्राइट को करने के लिए और वो टास्क करेगा, मीनवाइल हमें किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करके रखना है, राइट, ओके। सो नाउ आप देखेंगे अब स्प्राइट ने क्या किया, 100 स्टेप्स मूव करके 90 डिग्री रिवॉल्व होके स्क्वायर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी अ स्क्वायर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द पेन ब्लॉक्स विच यू हैव यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, अब हम समझते हैं कि हमने पेन ब्लॉक्स को कैसे यूज किया, कहाँ पे यूज किया। सो लेट सी दिस ब्लॉक इज द फर्स्ट वन जो मैंने आपको दिखाया था अभी, इसमें लिखा हुआ पेन सिंबल है और पेन डाउन, दिस ब्लॉक इज यूज टू ड्रॉ लाइन एज द स्प्राइट मूव्स ऑन द स्टेज, इसने क्या किया लाइन ड्रॉ की। देन दिस ब्लॉक जिसमें सेट पेन साइज टू नंबर इज गिवन, दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द थिकनेस, पेन साइज मीन थिकनेस ऑफ द पेन टू अ स्पेसिफिक नंबर, हमें वो लाइन कितनी मोटी रखनी है, कितनी कम मोटी रखनी है थिकनेस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना नंबर एडजस्ट करना है, राइट। देन द नेक्स्ट इज सेट पेन कलर टू, कलर है इसमें, कलर की ऑप्शंस होंगी एंड नंबर हेयर, दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द पेन, हमें पेन का कलर क्या यूज करना है वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक। तो पेन ब्लॉक्स के थ्री ब्लॉक्स हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन की थिकनेस के लिए, एक लाइन की कलरिंग के लिए, सो वेरी यूजफुल। नाउ सी हेयर ड्राइंग अ कलरफुल सर्कल, अब हमें एक सर्कल बनाना है ब्यूटीफुल सा, सो व्हाट टू डू, सो टू ड्रॉ अ कलरफुल सर्कल फॉलो दीज स्टेप्स, द फर्स्ट वन क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक्स मेन्यू,
हम मोशन कैटेगरी में आ गए. देन सेकेंड वन, क्लिक एंड ड्रैग द मूव 10 स्टेप्स एंड टर्न क्लॉकवाइज ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, जैसे हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया है. दो ब्लॉक्स लिए थे मोशन कैटेगरी में से, मूव वाला एंड टर्न वाला. देन द थर्ड वन, क्लिक ऑन द पेन कैटेगरी. अब हम आ जाएंगे पेन पे, क्योंकि हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो पेन की हेल्प से हम ड्रॉइंग कर सकते हैं. देन सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन पेन डाउन ब्लॉक फ्रॉम द पेन ब्लॉक पैलेट, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने. नाउ ड्रैग द ब्लॉक एंड प्लेस इट अंडरनेथ द दिस मोशन ब्लॉक. ओके, हमने क्या किया, जो पेन ब्लॉक हमने चूज किया है उसको हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया इन दोनों ब्लॉक्स के नीचे, यानी इस ब्लॉक के नीचे हमने इसको सेट कर दिया, इस ब्लॉक को. ओके, नाउ ड्रैग द ब्लॉक एंड प्लेस इट अंडरनेथ द दिस मोशन ब्लॉक एज आई टोल्ड यू. नाउ द सिक्स्थ स्टेप, नाउ ड्रैग द नेक्स्ट पेन ब्लॉक जिसमें साइज है थिकनेस का एंड प्लेस इट बिलो द पेन डाउन ब्लॉक. अब सेकेंड वाला ले आएंगे, इसके नीचे आ जाएगा वो. ओके, चेंज द वैल्यू फ्रॉम 1 to 20, जो भी आपने वैल्यू देनी है थिकनेस के अकॉर्डिंग यू कैन डू. नाउ द सेवेंथ स्टेप, ड्रैग द लास्ट ब्लॉक ऑफ पेन ब्लॉक, जो लास्ट वाला है चेंज कलर वाला, उसको ड्रैग किया फ्रॉम द पेन ब्लॉक पैलेट एंड ड्रॉप इट एट द एंड, तो लास्ट में वो आ गया. एंड चेंज द वैल्यू फ्रॉम 1 to 20, इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं. फाइन, तो अब आप देखें जो आपके स्क्रिप्ट एरिया पे आपके पास 5 ब्लॉक्स आ गए, 2 मोशन ब्लॉक्स एंड 3 पेन ब्लॉक्स. पहले 2 मोशन ब्लॉक आए, उसके नीचे ये पेन डाउन वाला आया, फिर उसके नीचे पेन साइज एंड देन पेन कलर, राइट. और अब ये स्प्राइट आपको यहाँ पे दिख रहा है. ओके, अब हम क्या करेंगे, किसी एक ब्लॉक पे क्लिक करके रखेंगे. कीप क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया टिल द स्प्राइट कंप्लीट्स इट्स कलरफुल सर्कल. हमें तब तक क्लिक करके रखना है जब तक हमारा एक कलरफुल सर्कल ना बन जाए. सी हाउ इट इज मेकिंग, आप देखो स्प्राइट जो है मूव कर रहा है क्लॉकवाइज और हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया. ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब आप करेंगे तो आपको आई डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट. सो नाउ ब्लॉक्स यूज्ड इन द अबव प्रोजेक्ट, अब हम बात करते हैं कि हमने जो ऊपर ब्लॉक्स यूज किए हैं किस टाइप के. एज आई टोल्ड यू, एक बार फिर हम इसको देखते हैं. लाइक हेयर, चेंज पेन कलर बाय दिस नंबर, दिस ब्लॉक इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. एंड दिस ब्लॉक जो ये टर्न क्लॉकवाइज वाला है, दिस ब्लॉक टर्न्स द स्प्राइट बाय सर्टेन डिग्रीज, ये स्प्राइट को क्या करता है, टर्न करवाता है. फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ स्प्राइट, अब हमारे पास स्प्राइट है, हमें इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है. देन व्हाट टू डू, यू कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ स्प्राइट यूजिंग द ब्लॉक. To do so, follow these steps. The first one, drag the blocks from the motion and pen blocks palette as shown in given figure on the next page and change the values of the blocks as given. हमने क्या किया, पेन की हेल्प से स्टैम्प, देन मूव 50 स्टेप्स, फिर पेन डाउन, देन चेंज पेन कलर, चेंज पेन साइज and if on edge bounce. आप देख सकते हैं यहाँ पे sprite है. Okay, so let us understand what we are doing. Click on any of the blocks to run the script. हम किसी भी एक block पे हमें clicking करके रखना है so that जो हमारी हमने जो भी script बनाई है वो चलती रहे. So you will see the duplicate copy of the sprite. When sprite reaches the edge of the stage, it will bounce back and change its direction. आप देखेंगे कि इसमें duplicate copy बनती जा रही है और जब वो edge को touch करता जाएगा तो वो bounce back. Okay? तो यहाँ पे आपको sprite दिख रहा है, यहाँ पे once again, see it once again, यहाँ पे क्या है, pen वाला जो है
पेन वाली ऑप्शन हमने यूज की है. स्टैम्प इज गिवन ओवर हियर. देन मूव मोशन कैटेगरी का इसमें ब्लॉक है मूव 50 स्टेप्स. देन फिर हम पेन पे आ गए, पेन डाउन, देन चेंज पेन कलर, देन चेंज पेन साइज एंड इफ ऑन एच बाउंस. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी इसकी डुप्लीकेट, राइट. सो ब्लॉक यूज्ड इन द अबव प्रोजेक्ट, जो हमने इसमें एक ब्लॉक यूज किया है इफ ऑन एज बाउंस, इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं किया. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस इफ ऑन एज बाउंस. दिस ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द मोशन ब्लॉक पैलेट. इट इज यूज्ड टू टर्न द स्प्राइट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज इट रीचेज द एज ऑफ द स्टेज. जब वो स्प्राइट बनते जाएंगे जहाँ पे वो एज को टच कर लेगा तब उसको वापस आ जाना है. इसके लिए हमें ये ब्लॉक यूज करना पड़ेगा. ओके, इफ ऑन एज बाउंस, राइट. नाउ सेविंग अ प्रोजेक्ट. अब हमें कोई प्रोजेक्ट सेव करना है. टू सेव अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच 3 फॉलो दी स्टेप्स. द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. हमें फाइल पे जाना है. Then select save to your computer option. The save as dialog box appears. हमने क्या किया, हमने file menu पे गए, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे options आ जाएंगी जिसमें से हमने choose किया save to your computer. इसको हमने select किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक save as dialog box खुल जाएगा. Okay? So see where it is, ऐसे यहाँ पर save as. You can see the third one, type the name for your project in the file name, यानी text box. आपके पास जब save as वाला जो box open होगा उसमें आपने file name देना है, जो भी आप देना चाहते हैं, like इन्होंने scratch project लिखा है. Okay, then save as type scratch 3 project, right. So then they have written type the name for your project in the file name text box and then click on the save button. फिर हमने save पे यहाँ पे आके click कर दिया. Fine, file menu में गए, वहाँ से save on the computer वाली option select की, फिर उसमें save as dialog box आपका open हो जाएगा जिसमें file name आ जाएगा, जो भी आपने type करना है you can type it. And then click on the save. तो आपका जो भी आपने प्रोजेक्ट है वो आपका सेव हो गया, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. अब हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है. सो टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉलो दी स्टेप्स. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. द फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाना है. ओके, इसमें न्यू ऑप्शन आएगी तो सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन. ओके, जैसे हमने सेविंग में किया था, फाइल मेन्यू में गए थे एंड सेव टू योर कंप्यूटर चूज किया था. अब हम इसमें न्यू पे जाएंगे. ओके, और न्यू पे क्लिक कर देंगे, राइट. सो बाय डूइंग दिस यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. अब कोई प्रोजेक्ट हमने जो सेव करके रखा हुआ है इसमें ऑलरेडी, उसको ओपन करना है, उसको देखना है हमें फिर से. तो व्हाट टू डू टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, फॉलो द स्टेप्स. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. हम फाइल मेन्यू में जाएंगे. सेकेंड, सेलेक्ट सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन. इस ऑप्शन पे आ जाएंगे हम, सेव टू योर कंप्यूटर. ओके, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. सेलेक्ट द प्रोजेक्ट यू वॉन्ट टू ओपन. तो आपके पास क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और जो भी आपने ओपन करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उस पर आपने फिर क्या करना है, ओपन बटन पे क्लिक कर लो. पहले सिलेक्ट कर लो, जैसे इन्होंने ये सिलेक्ट किया है, दिस ब्लू वन, यू कैन सी दिस हाईलाइटेड ब्लू वन, ये इन्होंने सिलेक्ट किया है और फिर ओपन बटन पे क्लिक कर दिया. ओके, तो ये प्रोजेक्ट आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा. द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ओपन्स इन द स्क्रैच 3 विंडो. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ
एग्जिट फ्रॉम स्क्रैच. सो टू एग्जिट स्क्रैच 3 क्लिक ऑन द क्लोज बटन. अब आपने इसको क्लोज करना है, एग्जिट करना है इसमें से, तो आपने क्या करना है, क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है. फाइन, तो आपके पास क्या आएगा, ये लाइक दिस, स्टे और लीव. तो वी हैव टू लीव, तो हम क्लोज बटन पे आ जाएंगे, राइट. सो बाय डूइंग दीज थिंग्स यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू कैन ओपन द सेव्ड वन प्रोजेक्ट, यू कैन सेव योर प्रोजेक्ट, ओके, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्क्रैच program. So it's very useful, very interesting. I hope it's clear to you. Go through the chapter. Any problem, we can discuss it. So first let us do number the steps for saving a project in scratch 3 in the correct order. Kuch steps given hai. Ab hume batana hai ki usme se usko arrange karna hai, in steps ko. Koi bhi hume save karna hai apna project, to uske liye humne sabse pehle kya kiya. उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हमने क्या किया, ऑप्शन आ गई थी फाइल मेन्यू में, दैट इज सेव टू योर कंप्यूटर. दिस इज द सेकेंड स्टेप. ओके, देन क्लिक ऑन द सेव बटन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. हमारे पास क्या आ गया था, सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. And then type the name for your project in the file name text box. फिर हमने typing कर दे. Okay? So these are the four steps. Now, computer manner, keep CDs and DVDs properly in their cases or in a CD/DVD folder. If you handle them carelessly, they may get damaged and you may lose the stored data. जो भी आपने डाटा स्टोर किया हुआ है सीडी या डीवीडी में, वो उसमें से लॉस्ट भी हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. ओके, नाउ लेट अस रिवाइंड. सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. अ स्क्रैच 3 इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू क्रिएट योर ओन इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशंस, गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट. Sprite is a small graphic character that performs action in Scratch 3 project. Scratch provides a number of inbuilt sprites in Scratch 3. Cat is the default sprite in Scratch 3. Stage is the main working area where the sprite moves and performs actions as per the given instruction. जो भी हमारी instructions हैं, उसके according sprite perform on the stage. Now the block panel area lists the 9 category of blocks: motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables and my blocks. Now a script is a collection of stepwise instructions that are given to a sprite to do a specific task. A script consists of at least 2 blocks. Kam se kam 2 blocks hote hain. All the instructions means blocks related to the movement of a sprite are given under the motion category. To draw shapes, you need the pen blocks which are not available in the blocks panel by default. To add pen blocks, click on the add extension button and select the pen thumbnail. Means इस चैप्टर में हमने स्पेशली दो ब्लॉक्स के बारे में बात की है. The one is motion block and the second one is pen block. बाकी जो different blocks हैं उनके बारे में आप higher classes में पढ़ेंगे. So I hope it's clear to you. Now come to the exercise, check yourself. A part, tick the correct option. The first one, dash block is not available in the blocks panel by default. So which block is not available? Pen block. Okay, then the second one, dash is the default sprite in the scratch, that is cat. The third one, the dash palettes contains a set of blocks that are used to program sprites and give actions to it, that is block palette. And the fourth one, the block panel area lists the dash categories of blocks. How many categories of blocks? That is 9 categories. Okay. So these are very simple and easy. Go through the chapter, aapko sab kuch knowledge ho jayegi. Any problem, then we can discuss it.
Now B, filling the blanks. The first one, a script consists of at least dash blocks. कोई स्क्रिप्ट हमें बनानी है तो कम से कम कितने ब्लॉक्स होने चाहिए? At least two blocks. The second one, a script is also called a program. स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम भी बोलते हैं. The third one, dash allows you to draw, import or edit images for a sprite. स्प्राइट के लिए हम images या कहाँ से draw कर सकते हैं, कैसे import कर सकते हैं, that is what? That is costume. जो आपने थ्री टैब्स के बारे में पढ़ा था उसमें इट वॉज वन. टू एड पेन ब्लॉक्स क्लिक ऑन द विच बटन? एड एक्सटेंशन, एड एक्सटेंशन बटन. ओके, नाउ से ट्रू और फॉल्स द सी पार्ट. द फर्स्ट वन, कैट इज द ओनली स्प्राइट इन स्क्रैच? नो, देर आर सो मेनी स्प्राइट्स. सो ऑल द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द मूवमेंट of a sprite are given under the motion category. Yes, this is true. The third one, to remove the block from the script area, right click on it and select delete option. Yes, this is true. The fourth one, the costume strap consists of the block palette and allows you to write a script. No, that is code tab. So this is false. ये हमें किसके लिए help करता है? ये हमें draw, import और edit images के लिए. Okay, now name the different categories of block panel. You know very well 9 categories like motion, look, sound, sensing, control, event. So 9 categories you can write the rest one. So now E part, answer these questions. The first one, what is Scratch? Scratch is a simple programming that allows us to create our own, you know, stories or music or games. जिसकी help से हम अपनी एक story बना सकते हैं, interesting story. ठीक है? So now the second one, what do you mean by script? Script क्या है? It is a collection of instructions, stepwise instructions to do a specific task by sprite. जब एक स्प्राइट को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो जिसको हम कोड भी बोल सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज, तो दैट इज अ स्क्रिप्ट. ओके, इट्स अ प्रोग्राम. नाउ द थर्ड वन, व्हाट इज द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक कैटेगरी? अ मोशन ब्लॉक कैटेगरी का क्या यूज है? हमें स्प्राइट्स को मूवमेंट करवाना है, रोटेशन करवाना है. ओके, जैसे अभी हमने किया था, मूव 10 स्टेप्स और 20 स्टेप्स फॉरवर्ड और मूव 20 steps backward or rotate according to this degree. तो वो हम सब किसके under करेंगे? Motion block के. The fourth one, what is the use of this pen down block? Pen down block जो है, it is not available in the block palette. इसको हम पहले तो लेके आएंगे add extension button से. और इसका use क्या है हमारे पास? अगर हमें कोई भी lines draw करनी है, कोई भी image draw करनी है, तो इट इज मस्ट, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. गुड डे.